अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एड मैथ्स का पेपर डिस्कस करेंगे। इट्स 5 मार्च 2024, पेपर 1-2। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट पार्ट, गिवन दैट वाई इक्वल्स टू 2 + 4 cos 3 θ फॉर -120 to 120, राइट डाउन द एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड इज 4। कीप इन माइंड कि आपके पास इक्वेशन क्या होती है, a cos b थीटा प्लस सी। सो a इज़ द एम्पलीट्यूड, यहाँ पर वो a आपका 4 है। राइट डाउन द पीरियड ऑफ द फंक्शन, आप क्या करोगे, 360 डिवाइडेड बाय दैट नंबर। ये हमारा हमेशा वर्किंग फार्मूला होता है टू फाइंड आउट द पीरियड, इट इज़ 120 डिग्री। स्केच द ग्राफ। अब आपका ये ग्राफ कैसे बनेगा भाई, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव वन। कॉस के हमारे पास कॉस का बिहेवियर क्या होता है, जब भी ग्राफ स्केच करें ना तो एक पहले रफली स्केच करें ताकि आपको आइडिया हो कि आपका ग्राफ कैसे नज़र आएगा। ये कॉस का एक कर्व होता है हमारे पास, क्योंकि हमारा ग्राफ नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो भाई ऐसा नज़र आएगा हमें, तो रफली से मैं बता रहा हूँ। तो अब आपने क्या कर रहे हैं, देखें एक अप्रोच तो ये, आपको कॉन्सेप्ट पता है बहुत अच्छी बात है, वरना आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करें और आप आंसर निकालें, उसको प्लग इन कर दें। तो अगर हमारे पास कॉस 3 थीटा है और मैं कहता हूँ कि हमारे पास 20 है, तो 20 × 3 = 60 cos 60 टाइम्स 4 + 2 आपको आंसर मिल जाएगा। और इसके अलावा, क्योंकि हम ये बात फाइंड आउट कर चुके हैं कि हमारा पीरियड 120 है, तो हमें इस पूरे बिहेवियर को यहाँ नज़र आना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास कॉस मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, कॉस हमारा एम्पलीट्यूड क्या है, हमारे पास 4 है और एक्सिस ऑफ कर्व क्या है, 2 है। तो मेरा ग्राफ 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 2 से मेरा ग्राफ स्टार्ट होता नज़र आएगा और मैक्सिमम मेरा ग्राफ जाएगा 6 तक, क्योंकि 2 + 4 = 6 होता है और 2 - 4 होता है -2। ये मेरा ग्राफ का पैटर्न नज़र आएगा। मैंने सारी वैल्यू सिंपल कैलकुलेटर से निकाल ली, ये इक्वेशन मैंने पुट करी, मेरे पास आंसर आना शुरू हो गया। 20 पर मेरे पास आ रहा है 4, 40 पर आ रहा है 0, 60 पर आ रहा है -2, 80 पर आ रहा है 0 एंड 100 पर आ रहा है मेरे पास 4, ऑलराइट, और 120 पर आ जाएगा मेरे पास 6। अब आपको नज़र भी आ रहा होगा कि भाई ये एक कॉस का कंप्लीट पैटर्न नज़र आ रहा है, ठीक है ना। इसको हम ज़रा स्केच करते हैं। और जिस तरह मैं पॉजिटिव का कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही नेगेटिव का चलेगा, ठीक है ना। अब नेगेटिव पर वैल्यूज़ क्या आ रही है हमारे पास, -120 पर आ रही है 6, 100 पर आ रही है हमारे पास 4, उसके बाद 0, -0, बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसको भी आपने कनेक्ट किया, तो बेटा ये आपके पास सिंपल इसका कर्व बन गया और एक कर्व बनाने के आपको स्ट्रेट अवे 3 मार्क्स बन चुके हैं, ठीक है, या पहले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट वन, गिवन दैट लॉग पी ऑफ ए प्लस लॉग पी ऑफ 12 माइनस लॉग पी ऑफ 6 इक्वल्स टू 3 log p of 4। सबसे पहले जब आपके पास सवाल लॉग का आए, सबसे पहले बेटा आप हाईलाइट कर लो कि इसकी बेस चेंज तो नहीं है, क्योंकि बेस सेम है तो हमारे पास सवाल आसान हो जाता है। अब मेरे पास मल्टीप्लाई और प्लस माइनस कुछ, मतलब प्लस माइनस हो रहे हैं तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग ए ऑफ, सॉरी पी ऑफ, लॉग पी ऑफ, देखिए ए और 12 मल्टीप्लस हो रहे हैं तो ये आएगा ए मल्टीप्लाई बाय 12, और 12 और 6 माइनस हो रहे हैं तो ये आएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू लॉग पी ऑफ 4 to the power q, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा क्या, ये मेरे पास आ गया 2a इक्वल्स टू 4³ = 64। सो यू गॉट द वैल्यू फॉर a इज इक्वल्स टू 32। ये बेटा आपका आंसर आ गया। बोले नेक्स्ट वन, फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, कोई कंपैरिजन तो नहीं है, फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4 log 3 of x। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, जब लॉग का सवाल है सबसे पहला काम आप बेस को देखो, यहाँ पर आपकी बेस डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा 4 log 3 of x = 9 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अप्लाई किया मैंने चेंज ऑफ बेस लॉग, तो ये हो जाएगा log 3 of x। अब क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम पता क्या करेंगे, हम कहेंगे कि यार लॉग 3 ऑफ एक्स को हम सपोज कर लेते हैं वाई, तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 4y = 9/y, y² = 9/4, अप्लाई अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो वी गॉट y = ±3/2। ये y का आंसर आ गया हमारे पास, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है बट y का आंसर तो आ गया। अब इस y के आंसर को हम अपनी मेन इक्वेशन में प्लेस करेंगे, log 3 of x = y log
थ्री ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, दो बार क्यों लिखा, क्योंकि वाई की दो वैल्यूज़ हैं, लॉग थ्री ऑफ एक्स इक्वल्स टू थ्री अपॉन टू, लॉग थ्री ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉन टू। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला हूँ वो है चेंज ऑफ बेस लॉग। कैसे अप्लाई करते हैं, अगर सॉरी चेंज ऑफ बेस लॉग नहीं, लॉग फॉर्म टू इंडेक्स फॉर्म, लॉग ए ऑफ बी इक्वल टू सी है तो आप कहते हो कि बी बराबर है ए की पावर सी, ये वाला चला जाएगा ना, यही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो हमारे पास थ्री मूव करेगा दोनों जगह से, तो मेरे पास आ रहेगा एक्स इक्वल्स टू थ्री टू द पावर थ्री अपॉन टू एंड x इक्वल्स टू थ्री टू द पावर माइनस थ्री अपॉन टू, ये हमारे पास बन जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू थ्री पावर थ्री अपॉन टू, और ये हमारे पास होता है x इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री टू द पावर थ्री अपॉन टू। ये आपके पास दो आंसर्स हैं, ठीक है ना, ये आपके फाइनल आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, द कर्व हैज़ अ इक्वेशन y इक्वल्स टू ln ऑफ x क्यूब प्लस थ्री, द नॉर्मल टू सी एट द पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू माइनस वन सॉरी वन मीट्स द लाइन y इक्वल्स टू x एट p, फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। बात की जा रही है नॉर्मल की, नॉर्मल टू सी एट द पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू वन। पहले तो हम ज़रा डेरिवेट करना स्टार्ट करते हैं ना इसको, सो y इक्वल्स टू ln ऑफ x क्यूब प्लस थ्री। जब आपने इसको डेरिवेट किया सो dy वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, ln का डेरिवेटिव क्या होता है, जो कुछ ln के साथ लिखा है उसको आप नीचे लिखो और जिसको नीचे लिखो उसका डेरिवेटिव आपके पास ऊपर आना चाहिए, ठीक है। ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव, पॉइंट दिया हुआ है आपको x की जगह क्या आएगा वन आएगा। अब आपने यहाँ पर x की जगह वन पुट करना है एट x इक्वल्स टू वन। जब आपने x की जगह वन पुट किया यू गॉट थ्री डिवाइडेड बाय फोर, लेकिन ये जो आपका टेंजेंट आया सॉरी ग्रेडियंट आया ना, ये आपके पास टेंजेंट का ग्रेडियंट आया, वो बात कर रहा है नॉर्मल की, तो नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, दैट विल बी माइनस फोर अपॉन थ्री। ये हो गया आपका नॉर्मल, याद है ना वो नेगेटिव रेसिप्रोकल वाली कंडीशन, वो है हमारे पास, ठीक है, नॉर्मल एट द पॉइंट वेयर एक्स इक्वल्स टू वन। अच्छा अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसके लिए हमें चाहिए एक्स और वाई। देखिए एक्स तो मुझे पता है कि एक्स मुझे दिया हुआ है वन, अब मैं निकालता हूँ वाई, सो वाई इक्वल्स टू एल एन ऑफ एक्स क्यू प्लस थ्री, ये आपके पास इक्वेशन है, आपने प्लेस किया तो वाई इक्वल्स टू वन प्लस थ्री इज वाई इज इक्वल्स टू फोर। इसको आपने चेंज नहीं करना एज इट सेज एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, तो आपने इसको इसी फॉर्म में रहने देना, ठीक है। अब आया आपकी मेन इक्वेशन क्या होती है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये हमारी इक्वेशन होती है। x1 y1 की जगह वैल्यूज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको अगर हम, तो ये आएगा y माइनस ln 4 इज इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसने कहा कि ये जो लाइन है ना ये मीट कर रही है किसको, y इक्वल टू x को, तो अब इस लाइन को मैं कैसे यूज़ करूँगा। अब वो कह रहे हैं भाई ये मीट कर रही है y इज इक्वल्स टू x, तो मैं y की जगह x, x की जगह y पुट कर दूंगा, कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं y की जगह x पुट कर रहा हूँ, x यहाँ पुट कर दिया, माइनस एल एन फोर इज इक्वल्स टू माइनस फोर एक्स प्लस फोर, और ये थ्री वाला के हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये बना आपके पास थ्री एक्स माइनस थ्री एल एन फोर इज इक्वल्स टू माइनस फोर एक्स प्लस फोर, एक्स को बनाते हैं सब्जेक्ट, ये x यहाँ पर आएगा प्लस हो जाएगा, 7x इक्वल्स टू 4 प्लस 3 एल एन फोर, सेवन जाके डिवाइड हो जाएगा, सो x इक्वल्स टू 4 प्लस ये 3 जाके पावर बन जाएगी एल एन ऑफ 4 पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 7। और क्योंकि उसने कह दिया कि x और y बराबर हैं तो आपके पास दोनों का आंसर सेम आएगा, तो जो हमारा पॉइंट P होगा ना उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आएगा 4 प्लस 3 एल एन फोर अपॉन सेवन, एक्स का 4 प्लस थ्री एल एन फोर अपॉन सेवन वाई का, ये आपके पास पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये फाइनल आंसर है। ऑलराइट नेक्स्ट वन, अ फंक्शन एफ इज सच दैट 2 प्लस ई टू द पावर माइनस थ्री एक्स व्हाट राइट ऑन द रेंज। देखिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि जब भी रेंज का सवाल आए ना आप स्केच ज़रूर करके देखिएगा ग्राफ अपना, स्केचिंग के बगैर रेंज का आंसर मत दीजिएगा, फिर आपके आंसर कभी सही होंगे कभी गलत होंगे, आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन ये कह रहा है 2 प्लस ई पावर माइनस थ्री एक्स, इसका लाइन ऑफ एजम्प्टोट क्या बनेगा, 2 बनेगा, ये है इसका एजम्प्टोट, ठीक है।
टू से। ई का ग्राफ के पैटर्न क्या है? ई का ग्राफ हमारा ऐसा बनता है, इस लाइन को कट नहीं करेगा, ऊपर जाएगा। तो अब आप मुझे बताएं, सॉरी ये तो हमारे पास एक मिनट, ये वन अपॉन ई की पावर एक्स हो जाएगा ना? नहीं, ये ऐसा नहीं बनेगा। पहले मैं इक्वेशन को करेक्ट कर दूँ। ये लिखा है 2 + 1 / e^3x, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। स्टार्ट मैं वैसे ही करूँगा भाई, स्टार्ट मेरा वैसे ही चलेगा। अब एक्सिस ऑफ कर्व मेरा क्या बनेगा? 2 बनेगा, ठीक है ना। ये लाइन मेरे पास 2 की आ गई। अब जो ग्राफ है ना वो 1 / की फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये ग्राफ कट कर रहा होगा ऐसे करके 1 / की फॉर्म में ना, ये ऐसे चल रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। ये कभी 2 को मीट नहीं करेगा, हमेशा 2 से ऊपर रहेगा। तो जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये 2 को कभी कट नहीं करेगा, हमेशा इससे ऊपर रहेगा, तो इसकी जो रेंज होगी हमारे पास, दैट विल बी f(x) इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि ये 2 को कभी मीट नहीं करेगा। 2 इसके लिए एसिम्प्टोट बनता है, और एसिम्प्टोट को बेहतर है कि हम डॉट लाइन से दिखाएं तो बेहतर रहेगा, डिसकंटिन्यूएशन लाइन से दिखाएं तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। ये आपका आंसर है बेटा। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स। स्टेप्स क्या होते हैं कि एफ एक्स जगह आप लिखें बेटा वाई, सो यू गॉट वाई इज इक्वल्स टू 2 + e^-3x, एक्स को बनाएंगे सब्जेक्ट, y - 2 = e^-3x। वी नीड टू अप्लाई ln ऑन बोथ साइड्स, यहाँ भी ln अप्लाई कर दिया, यहाँ भी ln अप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास ln ऑफ y - 2 = -3x। आगे डिवाइड कर दिया जाएगा, ln ऑफ y - 2 / -3 = x। फाइनल स्टेप, ln ऑफ x - 2 / -3 = x। सॉरी ये x नहीं होगा, हमारे पास ये आएगा f इनवर्स ऑफ x, इनवर्स निकालना। ये आपका आ गया इस वाले पार्ट का आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। ऑन द एक्सिस स्केच द ग्राफ ऑफ y = fx एंड y = f(x) स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द कर्व मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। स्टेट द इक्वेशन ऑफ एनी एसिम्प्टोट, लेबल योर कर्व्स। ऑलराइट, तो हमारे पास fx क्या था? fx हमारे पास था 2 + e^-3x, और f इनवर्स ऑफ x हमने निकाल लिया -1/3 ln(x - 2। ये हमारे पास दो कर्व्स हैं, और आपको इन दोनों के बारे में क्या बात पता होना चाहिए भाई? देखें, fx और f इनवर्स ये आपस में होते क्या हैं, इनका रिलेशन क्या होता है? ये रिफ्लेक्शन हो रहा होता है ग्राफ across the line y = x। तो अगर मेरे पास fx पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए 2, 3, तो वो इन्वर्स पे पता है क्या बन जाएगा? 3, 2। अब ये सारी बातें हमने ग्राफ पर अप्लाई करनी है। जैसा मैंने ऊपर स्टार्ट किया था, मैं fx से स्टार्ट करता हूँ। तो fx में हमारा जो एसिम्प्टोट था वो कहाँ बन रहा था? 2 पर बन रहा था, y = 2 पे लाइन थी ना। तो अगर इसकी लाइन y = 2 है ना fx की, तो बेटा जो इन्वर्स की लाइन होगी ना वो होगी x = 2। अब ये ग्राफ मैंने बनाया पर्पल से इन्वर्स का, ये इन्वर्स का ग्राफ है, ठीक है। फिर हमारे पास जो ग्राफ था fx का, वो मैंने ऊपर बनाया था, वो ऐसा चल रहा था ग्राफ, एक मिनट, ये ग्राफ था मेरे पास fx का बेटा, कुछ ऐसा बनेगा, मैं आपको रफली बता रहा हूँ। अब उसने कहा था किसी की भी एसिम्प्टोट की लाइन की इक्वेशन बता दो, मैं दोनों की बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको बता दिया ना y = 2, ये एसिम्प्टोट बनेगा फंक्शन के लिए, और जो इन्वर्स है उसके एसिम्प्टोट की लाइन क्या है? x = 2। फिर उसने आपसे और भी कहा था स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट द मीट कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब आपको हाईलाइट करना है पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या होगा अभी बताते हैं। देखें, इस पॉइंट पर x क्या होता है? 0 होता है। अगर आप x की जगह 0 पुट कर दोगे तो ये क्या बनेगा? 2 + anything with 0 power is 1, तो ये बन जाएगा आपका 0, 3। ये आ गया इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब अगर मेरे पास फंक्शन पे पॉइंट 0, 3 आ रहा है, इसको इस लॉजिक पे अप्लाई करें, अगर 0, 3 होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? 3, 0 बनेगा। तो मेरे पास 3, 0 पॉइंट कहीं x पर आ रहा होगा, यहाँ पर ये होगा 3। अब मेरे पास इन्वर्स का ग्राफ कैसा बनेगा? तो इन्वर्स का ग्राफ ये एसिम्प्टोट बनेगा इसका, इसको हम सही कर लेते हैं, अभी यहाँ से पास हो रहा होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा मेरे इन्वर्स का, सही है ना। तो मैंने यहाँ पर दोनों का रिलेशन भी बिल्डअप कर दिया। अब अगर आप एक हाइपोथेटिकल लाइन बनाओ ना ऐसे करके,
तो आपको नज़र आएगा कि यस ये पार्ट और ये पार्ट देखें रिफ्लेक्शन चल रहा होगा। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया जिसमें हमने सब बातों को हाईलाइट कर दिया, एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन भी बता दी, जो पॉइंट कट कर रहा है एक्सिस वो भी बता दी। ये आंसर है आपका। नेक्स्ट वन, अ फंक्शन जी इज डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर 3/2+4, फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 12। देखिए कंपोजिट का सवाल है, पेरेंट फंक्शन हमारा जी है, तो जी क्या है, जी है एक्स की पावर 3/2+4, और जहाँ पर x है वहाँ पर कौन आएगा, वहाँ पर एफ एक्स आएगा, वो क्या है 2+e^-3x, 2+e^-3x, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 12 जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हम 4 को वहाँ शिफ्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा 2+e^-3x^3/2=12-4=8। अब मुझे पावर ख़त्म करनी है, पावर के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों साइड पर पावर 2/3 कर दूँगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसका फ़ायदा ये हुआ, देखें पावर यहाँ पर हो गई कैंसिल, तो मेरे पास ये ब्रैकेट अब ख़त्म हो गया, 2+e^-3x 8^2/3, 2 का 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये आएगा e^-3x=4-2। किस फॉर्म में आंसर देना है आपको, फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, मतलब आपको आंसर देना है x का एग्जैक्ट फॉर्म में, तो आपको ln अप्लाई करना पड़ेगा, सो वी नीड टू अप्लाई ln ऑन बोथ साइड्स, सो इट विल बी -3x=ln2 एंड फाइनली x=-1/3 ln(2)। ये बनेगा आपका फाइनल आंसर x का। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, द पॉलिनोमियल p इज गिवन दैट x+3 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ px एंड p, सॉरी क्या लिखा है, पी गिरो पर एपोस्ट्रॉफी है, इट डिफाइंस डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करना है आपको। तो पहले तो हम आते हैं पी एक्स के ऊपर, x+3 इज अ फैक्टर, दैट मीन्स x+3=0 एंड यू गॉट x=-3। वी हैव अ इक्वेशन पी ऑफ एक्स, अब पी की जगह आने वाला है, एक्स की जगह आने वाला है -3, तो जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर -3 अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, -3^2+39-3+b। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -3 का 3 -27, सो -27 × 5, सो दैट गिव्स यू -135+9a-39 × 3 117+b=0। इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग ज़रा, 113 और 117 दोनों ऐड हो रहे हैं, 135 सॉरी, और इसको हम राइट पे ले देंगे तो लेफ्ट पे तो ये आएगा 252 हमारे के प्लस हो जाएगा एंड वी गॉट 9a+b। और इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास हमारी पहली इक्वेशन आ रही है जो हमने सिंपल फंक्शन से निकाला। दूसरी बात उसने आपसे की है डेरिवेटिव की, अब ज़रा हम p प्राइम पर काम करते हैं, p प्राइम ऑफ x, पहले तो आप इसको डेरिवेट करें, तो ये आएगा हमारे पास 15x²+2ax+39 और b तो ज़ीरो हो जाएगा, एक्स का पुट कर रहे हैं आपने -3, तो ये आएगा मेरे पास -3² 9 9 × 15, दैट विल बी 135-6a+39, और क्योंकि फैक्टर था ज़ीरो हो जाएगा, सो 135+39/6, सो वी गॉट द वैल्यू फॉर a=29। कितना सिंपल सवाल था, a=29, जब आपको a मिल जाएगा तो आप डायरेक्ट b का आंसर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द वैल्यू हेयर, तो ये हो जाएगा 252=9 times a की जगह उसकी वैल्यू 29 एंड देन प्लस b, तो ये बनेगा आपके पास 252-9 × 29, दैट गिव्स यू -9, सो b=-9। ये बना आपका आंसर ए का और बी का, ठीक है जी, आसान सवाल था, आगे बढ़ते हैं। हैंस सॉल्व द इक्वेशन px=0। अब देखें px क्या है, 5x³, पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ बेटा, इट्स 5x³+ax² था और a हमारे पास था 29, तो 29x², उसके बाद क्या था, प्लस 39x
39x माइनस बी था मेरा प्लस बी था और बी का आंसर हमारे पास माइनस नाइन इक्वल टू ज़ीरो। आपने इसको सॉल्व करना, कैसे करेंगे भाई? बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको करते हैं सिंथेटिक। मैं सिंथेटिक करता हूँ, कैसे करते हैं सिंथेटिक बेटा? आपने बनाना है इस तरह का डिवीजन की तरह का एक फॉर्मेट, सही है। अब आप लिखें सबके कोफिशेंट्स, पहला आ गया 5, दूसरा आ गया 29, फिर आ गया 39 और फिर आया मेरे पास -9। अब उसने एक फैक्टर तो आपको दिया हुआ था ना, दैट x प्लस 3, तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं -3 से। ये हमारा पूरा पैटर्न हो गया रेडी। अब देखिए बेटा, पहला नंबर जो है ना वो सेम एज इट इज आ जाता है, तो 5 तो एज इट इज आएगा। -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, -3 इंटू 5 -15, 29 -15 इट्स 14, 14 थ्री ज़ार 3, 4 ज़ार 12, 3 वन ज़ार 42, 14 इंटू -3, तो 39 -42 इट्स -3, -, +9 और ये आ गया 0। तो यहाँ से आपकी बन गई इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 14x -3 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म करना हमारे लिए कोई मुश्किल बात ही नहीं है, 15 आ रहा है तो ये आएगा 5x स्क्वायर प्लस 15x -x -3 इक्वल टू 0। कॉमन ले लिया आपने 5x, बचा आपके पास x प्लस 3। जब कुछ कॉमन नहीं होता 1 होता है, बचा x प्लस 3, दोनों में कॉमन आ रहा है x प्लस 3, जब x प्लस 3 कॉमन आया बचा क्या 5x -1, दोनों को 0 से इक्वेट करता, फैक्टराइज सॉल्व है ना, सॉल्व है, तो दोनों को 0 से इक्वेट किया, यू गॉट x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू 1/5। ये आपके आ गए आंसर, ये आपके आंसर आ गए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन, हैंस यूजिंग द वैल्यू, नाउ द कीवर्ड इज व्हाट, द कीवर्ड इज हैंस यूजिंग द वैल्यूज। क्या करना है बेटा आपने? अब पहला काम हम ये करते हैं, पहले तो मैं सवाल ज़रा कॉपी करता हूँ ताकि आपको मुझे दिखाने में आसानी हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे, एक मिनट दीजिएगा मुझे। इस हैंस की चीज़ को समझना बड़ा आसान है, वरना अक्सर बच्चे इसमें काफ़ी गलती करते थे। देखें अब सही है, अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये क्यूब क्यूब को कंपेयर कर रहे हैं, स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है, फिर 39 आ गया x के साथ, फिर b आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसने x की जगह रिप्लेस कर दिया क्या, कोसेक 2 थीटा, ये किया इसने। क्या किया भाई इसने? कहा कि यार x बराबर है कोसेक 2 थीटा के, बस ये करना है, और आपको थीटा के आंसर निकालने हैं, और रेंज आपको दिया है फ्रॉम 0 to 360। ये काम है आपका। देखें x के तो हम आंसर निकाल चुके हैं ना, उस x के आंसर को हम यूज़ करते हैं। x के आंसर क्या थे हमारे पास? -3 एंड 1/5। तो अब आपने सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया, इसको हम दो लिखते हैं दो बार, क्योंकि हमने x के दो आंसर निकाले ना इसलिए, कोसेक 2 थीटा। तो एक x का आंसर था -3 और एक x का आंसर था 1/5, पुट कर दिया हमने, सो इट्स कोसेक 2 थीटा इक्वल्स टू कोसेक 2 थीटा। अब कोसेक अगर साइन में चला जाए, कोसेक साइन का रिवर्सल है ना, अगर साइन 2 थीटा करेंगे तो इसके लेफ्ट पर क्या हो जाएगा, इट विल बी -1/3। इसी तरह अगर यहाँ पर भी हम साइन 2 थीटा करेंगे तो कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है बेटा। अब जब यहाँ पर साइन इन्वर्स करेंगे तो ये तो आ जाएगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि साइन की वैल्यू तो 1 -1 को क्रॉस ही नहीं कर सकती, ये तो अनडिफाइंड हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें सबसे पहली बात, देखें साइन यहाँ पर है नेगेटिव, नेगेटिव साइन कहाँ कहाँ होता है भाई? फॉरन क्वाड्रेंट बना लें, आपको मिल जाएगा आंसर कि नेगेटिव साइन है थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। हम लिखते हैं ना, ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव टेन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव फर्स्ट सेकेंड में, तो हमने जाना है थर्ड में और फोर्थ में। अब आते हैं अपने अल्फ़ा के ऊपर, अल्फ़ा कैसे आएगा? अल्फ़ा इज साइन इनवर्स ऑफ 1/3, इसी में वैल्यू निकालता हूँ एक मिनट। अच्छा कैलकुलेटर हमारा डिग्री में चल रहा है ना, हाँ सही है, रेडियन मोड पर नहीं है, डिग्री मोड पर है, तो 1/3 और इसका आपने किया साइन, सो यू गॉट 19.47 डिग्री। बेटा इसको अगर मैं मार्क करूँ अपने पास डायग्राम में, तो ये भी 19.47 है और ये भी 19.47 है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारी रेंज मॉडिफाई हो रही है, कैसे पता लगा? लेकिन ये बात कर रहा है थीटा की, हमारे पास है 2 थीटा, तो अब यहाँ पर काम शुरू करते हैं। अगर ये 2 थीटा होगा तो क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट तो 0 रहेगी,
अपर लिमिट क्या हो रहेगी, 360 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 720। तो अब हमने 720 तक रिवॉल्यूशन काटने हैं इसके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई, पहली बार यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक गए 180, 180 प्लस दिस एंड 360 माइनस दिस। तो शुरू के हमारे आंसर्स क्या है, हमने किया 180 प्लस 19.47 एंड 360 माइनस 19.47। पहले इसके आंसर निकालें, 180 प्लस 19.47, सो इट्स 199.47 एंड 360 माइनस 19.47 इट्स 340.53। ये तो था फर्स्ट रिवॉल्यूशन। चूँकि हमारी रेंज 720 थी, जो हमने वहाँ देखा भी था 720 थी ना, तो ये एक बार करने के बाद अब ये दोबारा आपने 360 में ऐडअप करना है। तो अब आपने क्या करना है, अब जो बाकी के एंगल आएंगे ना उनको निकालने से बेहतर ये है कि आप 360 में इन दोनों आंसर्स को ऐड कर दें, 360 प्लस 199.47 एंड 360 प्लस 340.53। अब इनके आंसर्स देखें, 360 प्लस 199.47 इट्स 559.47 एंड 360 प्लस 340.53 इट्स 700.53। तो आपके जो सारे आंसर्स आ रहे हैं ना असेंडिंग ऑर्डर में, अगर मैं लिखूं तो वो सारे आंसर्स हैं 199.47 पहला, 340.53 दूसरा, 559.47 तीसरा, 700.53 चौथा। लेकिन ये सारे एंगल बराबर थे 2 थीटा के। अब सबको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करें, 700.53 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है 350.265। तो ये आ गया 350.26 को 2 6 को 3 करते हैं, ठीक है। 559.47 डिवाइडेड बाय 2, 279.7। 340.5 डिवाइडेड बाय 2, 170.25। एंड लास्टली 199.47 डिवाइडेड बाय 2, 99.7। तो ये जो आपके एंगल्स मैंने निकाले ना, ये आपके एंगल्स थीटा के हैं, क्योंकि आपने 2 को सबसे डिवाइड कर दिया, और ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। ऑलराइट बेटा, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। मेक श्योर कि आप उसको एंड पर राउंड ऑफ ज़रूर कर दें, 1 डेसिमल प्लेस पे होता है हमारा फाइनल आंसर एंगल का, तो ये 170.3 हो जाएगा, बाकी सब सही है और सब पे डिग्री। ये आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है। तो जब भी एग्जामिनर लिख दे ना बेटा हेंस, तो इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक पिछले पार्ट से कनेक्टेड है। सवाल नेक्स्ट वन, इन दिस क्वेश्चन ऑल डिस्टेंस आर मीटर्स एंड टाइम आर इन सेकेंड। ऑल राइट, डायग्राम शोज द VT ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, द पार्टिकल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 2750 इन 120। तो आपको दिया क्या, वी हैव अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 2750 इन 120 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन t इज 70। अच्छा रे, अब आपको फाइंड द, अच्छा वेलोसिटी फाइंड करनी है आपको, ठीक है। डिस्टेंस आपको दे दिया बेटा, तो पहली चीज़ मैं अपने शेप को कुछ सेगमेंट में डिवाइड करना शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार इसको मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया, सो वी गॉट आर रेक्टेंगल। फिर मैं कहता हूँ कि हम इसको कर लेते हैं एक बड़ा सा, नहीं ट्रायंगल करूँगा, 2 बार करना पड़ेगा। एक काम करते हैं इसको, ट्रेपीजियम कहाँ से बन रहा है, ये ट्रेपीजियम किस तरह बन रहा है, ये तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है एक ट्रेपीजियम ना, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसको डिवाइड करते हैं हम, और ये वाला जो पार्ट है ना, अब यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल है ठीक है, और ये ट्रेपीजियम है, ठीक है बेटा। तो इन सब के एरिया निकालते हैं, तो इसको अब एक काम करते हैं और आसानी के लिए। मैं कहता हूँ ये रीजन मेरा एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, और ये एरिया 3 है, ताकि जब मैं इसके अकॉर्डिंग वर्किंग करूँ तो आपको समझने में आसानी हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम एरिया 1 से। एरिया 1 इज़ अ रेक्टेंगल, इट्स 10 मल्टीप्लाई बाई 30, दैट विल बी 300। ये आ गया एरिया 1। फॉर एरिया 2 इट्स अ ट्रेपीजियम, 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। Now the parallel sides are 10 and V, so it's 10 plus V, and the height is from 30 to 70. So height मेरे पास कितनी आ रही है, ये वाली, that will be 40.
सही है ना, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सो 2 ones are 2 20s are, सो वी गॉट 20 times 10 plus V, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. फॉर 3 वी हैव एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/2 base, 70 से लेके 120 50 हो गया और हाइट मेरे पास है वी, सो आई गॉट 25 V. ये आ गया सबका डिस्टेंस. सो टोटल जो डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है वो दिया हुआ है भाई 2750. जो डिस्टेंस आपने निकाला उसको ऐड करें. पहला आया था 300, फिर आया था 20 times 10 plus V, और लास्टली आया था 25 V, और इसको इक्वेट किया 2750 से. अब ये हमारी वर्किंग इक्वेशन बन गई. इसको हमने सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट्स को ओपन किया. 300 plus 200 plus 20 V plus 25 V equals to 2750. ऐड किया आपने, ये हो गया मेरे पास 500. हमारे के माइनस किया करते हैं अभी, ये बना मेरे पास 45 V is equals to 2750. में से माइनस किया आपने 500, 2750 minus 2250 आ जाएगा. 2250 को डिवाइड करना है आपने 45 से, सो यू गॉट द वैल्यू फॉर वी, इट्स 50. ये आपका वी का आंसर आ गया भाई. क्या फाइंड करने को कहा था उसने, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन टी 70. तो जब टी 70 होगा तो वी क्या हो जाएगा, वी मेरे पास 50 हो जाएगा. ये बनेगा आपका फाइनल आंसर. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल फॉर टी 70 से लेके 120. 70 से लेके 120 का मतलब क्या हुआ कि ये इस पार्ट की बात कर रहा है. पहली बात है यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, इट्स अ डिसेलरेशन, क्योंकि हमारी स्पीड डिक्रीज हो रही है. अब अगर आपको डिसेलरेशन या एक्सेलरेशन निकालनी है, उसका वर्किंग फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इट्स वेरी सिंपल, राइज डिवाइडेड बाय रन. व्हाट इज राइज? राइज इज द हाइट. हाइट इस पूरे की कितनी है, इस पूरे की हाइट पूरी जो आपने वी निकाली, दैट इज 50. सो हाइट इज 50. एंड व्हाट अबाउट द रन पार्ट? रन इज द डिफरेंस फ्रॉम 70 to 120, इट्स 50. तो आंसर आएगा हमारे पास 1, बट वी रेफर एज -1. क्यों -1? अगर हम कह रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन है तो ये नेगेटिव की एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर स्पीड डिक्रीज हो रही है. अगर हम कहते हैं डिसेलरेशन तब ये हमें माइनस की जरूरत ना पड़ती. आर डिफरेंट पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ सच दैट इट्स वेलोसिटी आफ्टर लिविंग अ पॉइंट इज गिवन बाय दिस, फाइंड द एग्जैक्ट एक्सेलरेशन. देखें बेटा, आपको वेलोसिटी से फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो आप क्या करोगे, यू नीड टू डेरिवेट इट. सो वेलोसिटी इज टी टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 5 to the power 1/2. दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं, वी नीड टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल देयर. यहाँ पर भी आपने प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करना पड़ेगा. आप कैसे करेंगे भाई? बहुत सिंपल सी बात है. हमने कहा u बराबर है t के, और डेरिवेटिव ऑफ u बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 के. सही है. v बराबर है हमारे पास t स्क्वायर प्लस 5, और डेरिवेटिव ऑफ v क्या हो जाएगा हमारे पास 2, t स्क्वायर प्लस 5 नहीं है, हमारे पास की पावर 1/2 भी है. और अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले पावर लिखो, फिर पावर में से 1 को माइनस करो, और फिर जिस फंक्शन पे पावर है उसका डेरिवेटिव. तो ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, बचा गया आपके पास t डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 5 विद द पावर 1/2. वर्किंग फार्मूला क्या होता है हमारे पास, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. u क्या था? u था t. v का डेरिवेटिव क्या था? t डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 5 विद द पावर 1/2, प्लस v क्या था? t स्क्वायर प्लस 5 विद द पावर 1/2, एंड डेरिवेटिव ऑफ u इज 1. आपको टाइम की वैल्यू दे दी है, इट्स 2, तो आपने डायरेक्ट t की जगह 2 पुट करना है. t की जगह हमने 2 पुट करना है, तो ये आएगा 2 2s are 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 plus 5, 9 की पावर 1/2, 3, प्लस 2 का स्क्वायर 4 plus 5, 9 की पावर 3. तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 3 9 9 plus 4 13 13 डिवाइडेड बाय 3. ये बना आपका फाइनल आंसर एक्सेलरेशन का. ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई द पार्टिकल डज नॉट चेंज डायरेक्शन फॉर टी ग्रेटर देन 0. देखें, आपने वेलोसिटी को अगर हम देखें तो वेलोसिटी बताएगी हमारा इसका आंसर. वेलोसिटी क्या है हमारे पास? वेलोसिटी इज टी स्क्वायर टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 5 1/2. पार्टिकल
कब जो है वो साइन चेंज करता है, जब उसकी वेलोसिटी नेगेटिव आ रही होगी। अब आप मुझे बताएं, टाइम की किसी भी वैल्यू पर आप टाइम को 1, 2, 3, 4 ही पुट करेंगे ना, कभी भी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो हम इसको लिखें कैसे, एक्सप्लेन वाई द पार्टिकल सेंस वेलोसिटी डज नॉट चेंज इट्स साइन, देयरफोर नो चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन का चेंज तब आता है जब वेलोसिटी का साइन चेंज हो रहा हो पॉजिटिव नेगेटिव का, ठीक है। नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 5x-2 पावर -2/3 इन एग्जैक्ट फॉर्म। तो 5x-2^-2/3 को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 2 to 4, ठीक है बेटा। जब आपने इंटीग्रेट किया सो इट विल बी 5x-2, पावर में क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं, सो -2/3 + 1 इट विल बी 1/3, राइट। तो होल पावर ने 1 ऐड किया, डिवाइड बाय होल पावर एंड 5 जो फिर डेरिवेटिव होगा। और लिमिट्स क्या है हमारे पास, लिमिट्स आर फ्रॉम 2 to 4। अब ये हो जाएगा हमारे पास 3/5, लिमिट्स अप्लाई कर रहा हूँ, अपर लिमिट इज 4, 5 × 4 = 20 -2^1/3 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इज 2, 5 × 10 - 2 एंड पावर 1/3, ठीक है बेटा। ये क्या बन जाएगा आपके पास, अब दैट विल बी 3/5, 5 की पावर 20 - 2 = 18, 18^1/3 माइनस 8^1/3। ये हम आगे क्या सॉल्व करेंगे भाई, देखें 3/5, 18^1/3 तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन 8^2 = 1/3 होता है हमारे पास 2, ये बनेगा आपका आंसर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + ln b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ऑलराइट, इंटीग्रेट करना है इसको आपने, 4/2x + 1 इंटीग्रल ऑफ 0, 1/2। देखिए 4 लिखा है ना, 4 को मैं बाहर ले आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/2x + 1 प्लस 8 को मैं बाहर ले आया 0 से लेके 1/2, और 2x + 1 की पावर 2 ऊपर आके हो जाएगी -2। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको ऊपर लेकर आ गया लेकिन इसको लेकर नहीं आया। बेटा ये फंक्शन लीनियर है, लीनियर का मतलब होता है यहाँ पर ln आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं आएगा। अब आते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर बेटा, 4 अपनी जगह रहा, इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होगी ना, दैट विल ln ऑफ 2x + 1 और बाहर आएगा 2, क्योंकि डिवाइड होगा इसका डेरिवेटिव, जो x के साथ लिखता है ना उसका डेरिवेटिव बाहर आ जाता है, ठीक है। ये इंटीग्रेट हो गया है, प्लस 8, इसको आपने इंटीग्रेट किया तो 2x + 1 पावर में आपने 1 ऐड किया, -2 + 1 - 1 डिवाइडेड बाय होल पावर -1 और फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा -2। और लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 to 1/2, ये आपकी लिमिट्स चल रही हैं, ठीक है बेटा। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं इसको, 2 और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2 ln of 2x + 1 फ्रॉम 0 to 1/2 -4 1/2x + 1 एंड द लिमिट्स आर 0 to 1/2। जब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो अब हमने क्या करना है, अब हमने लिमिट्स को अप्लाई करना है, स्टार्ट करना है इसमें। भाई आप कैसे करते हैं भाई, देखते हैं, 2 अपर लिमिट क्या है हमारे पास, 1/2, सो ln ऑफ 2 × 1/2 बन जाएगा 1 + 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा 1 -4, यहाँ भी पहले अपर लिमिट 1/2, जब आपने ऐसी रहेगा 1/2 पुट किया तो ये तो आ जाएगा 1 + 1 = 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 2 ln of 2, ln 1 0 होता है,
ठीक है, माइनस फोर, वन अपॉन टू माइनस वन, इट्स माइनस वन अपॉन टू। अब क्या हो गया, टू ब्रैकेट एल एन ऑफ टू माइनस माइनस प्लस टू। तो अब आपने ब्रैकेट को ओपन किया तो ये आएगा टू एल एन टू प्लस टू। अच्छा, ये जो टू है ये जाके पावर बन सकता है इसकी, तो उसको हम कहेंगे एल एन ऑफ टू का स्क्वायर फोर प्लस टू। ये आपका फाइनल आंसर आया उस फॉर्म में जिस फॉर्म में क्वेश्चन की डिमांड थी, ए प्लस एल एन बी। ठीक है, तो ए हमारे पास टू हो जाएगा और बी हमारे पास फोर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ फाइव डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड यूजिंग फाइव डिफरेंट नंबर सेलेक्टेड, नो डिजिट मे बी यूज मोर देन वंस इन एनी फाइव डिजिट नंबर, फाइंड हाउ मैनी फाइव डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। तो आपके पास कितने नंबर है भाई, आपके पास एक नौ नंबर है और नौ में से आपको तलाश है पाँच नंबरों की, तो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, नाइन पी फाइव इक्वल्स टू वन फाइव वन टू जीरो। अच्छा, अक्सर मैंने ऑब्जर्व किया है बच्चे ये आंसर लिख के छोड़ देते हैं। नहीं, अगर आपने ये लिख के छोड़ा सवाल एक मार्क है, आपको नहीं मिलेगा मार्क, आपको उसको कंप्लीट लिख के देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड हाउ मैनी ऑफ दीज फाइव डिजिट नंबर्स आर ग्रेटर देन 50,000 एंड इवन, हाउ मैनी ऑफ दीज फाइव डिजिट नंबर्स आर ग्रेटर देन 50,000, ठीक है, एंड इवन। देखिए, जब हमारे पास दो कंडीशंस आ जाए ना कि इससे बड़ा हो और इवन हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप केसेस बनाएं। अब हम केसेस बनाते हैं इवन नंबर पर। देखें कितने नंबर इवन है, एक दो तीन चार, चार इवन है ना, तो मैं चार कैसे बनाऊँगा फाइव डिजिट नंबर के, एक दो तीन चार पाँच प्लस, एक दो तीन चार पाँच प्लस, एक दो तीन चार पाँच प्लस, एक दो तीन चार पाँच। ये आपको लगेगा मेथड लंबा है, बिल्कुल लंबा होगा, लेकिन इसका आंसर आपको हमेशा मिलेगा, लॉजिक बड़ी सिंपल है। अब चूंकि नंबर इवन है तो या तो आखिर में टू होगा या आखिर में फोर होगा या आखिर में सिक्स होगा या फिर आखिर में एट होगा। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें कह रहा है ग्रेटर देन 50,000। अगर 50,000 बड़ा होगा तो पहले में सिक्स भी आ सकता है, अगर सिक्स यहाँ पर आ गया यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसीलिए हम जब डबलिंग हो रही होती है ना तो हम कैसे बना लेते हैं बेहतर है। अब उसने कहा नंबर ग्रेटर देन 50,000, मतलब आपके पास जो नंबर थे उसमें से आपने टू यूज़ कर लिया, अब यहाँ पर फाइव भी आ सकता है, सिक्स भी आ सकता है, सेवन भी आ सकता है, एट भी और नाइन भी, तो यहाँ पर अभी पाँच नंबर आ सकते हैं। तो मैं कहूँगा भाई यहाँ पर अभी पाँच में से कोई एक नंबर आ सकता है, यहाँ पर भी पाँच में से एक नंबर आ सकता है, लेकिन जब मैंने यहाँ सिक्स ले लिया तो अब सिक्स चूज हो गया, अब पाँच में से एक नंबर नहीं आएगा, अब आएंगे चार में से एक नंबर, यहाँ भी फोर पी वन आएगा और यहाँ भी फोर पी वन आएगा। ये तो हो गई पहली बात। आपके पास टोटल नंबर कितने थे, टोटल नंबर नौ थे, नौ में से एक यहाँ यूज़ कर लिया, एक यहाँ यूज़ कर लिया, बचे कितने मेरे पास सात। अब यहाँ पर आएगा सेवन पी सिक्स, सेवन पी थ्री सॉरी, सात में से कोई भी तीन आ जाए, सेवन पी थ्री, सेवन पी थ्री और सेवन पी थ्री। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें भाई, फाइव पी वन मल्टीप्लाई बाय सेवन पी थ्री। अब ये दोनों हमारे पास सेम रिजल्ट दे रहे हैं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा टू से, प्लस फोर पी वन मल्टीप्लाई बाय सेवन पी थ्री, और इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं टू से, क्योंकि ये दो मुझे सेम रिजल्ट देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग भाई, 5p1 तो आपका 5 ही हो जाएगा, 7p3 दैट विल बी 210, 210 मल्टीप्लाई बाय 5 टू ज़ार 10, तो ये आएगा आपका 2100 प्लस 7p3 टाइम्स 4 टू ज़ार 8, 1680 प्लस 2100, यू गॉट 3780। ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये लॉजिक आपको लगे लंबी है, लेकिन आप यकीन करें जितने सवाल आप करेंगे पास्ट परफेक्ट में जहाँ पर दो कंडीशन आ जाए ना उसको हमेशा ऐसे किया करें, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, कुछ भी हो, आपका आंसर सही आएगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अ टीम ऑफ नाइन पीपल इज टू बी चूजन फ्रॉम सिक्स डॉक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड था चूजन, इसने बता दिया सिलेक्शन हो रही है, कॉम्पिटिशन का सवाल आ गया। सिक्स डॉक्टर, फोर डेंटिस्ट एंड टू नर्सेस, फाइंड हाउ मैनी टीम इंक्लूड एट लीस्ट टू। अच्छा जी, इसका भी मैं आपको आसान ट्रिक बताता हूँ। देखें, आप ऐसे एक बना लिया करें, और इसके तीन है ना हमारे पास, एक हमारे पास डॉक्टर है, एक हमारे पास डेंटिस्ट है और एक हमारे पास नर्स है, तीन कैटेगरीज हैं। इनके नीचे लिखें टोटल कितने हमारे पास, ना ये टोटल कितने हमारे पास भाई, हमारे पास छः डॉक्टर्स हैं, चार डेंटिस्ट हैं और दो नर्सेज हैं। अब जो हमें टीम चाहिए ना, अ टीम ऑफ नाइन पीपल,
हमें चाहिए 9 लोग, 9 लोग ना लगता बड़ा सा, 9 लोग चाहिए हमें। उसमें कम से कम 2 डॉक्टर हों, कम से कम 2 डेंटिस्ट और कम से कम 2 नर्सेस। अच्छा जी, अगर मेरे पास 2 नर्स हैं, 2 डेंटिस्ट हैं, ये हो गए 2 और 2 4, हमें चाहिए 9 लोग। अगर ये 4 हो गए तो डॉक्टर के पैनल में से 5 को आना पड़ेगा, तभी तो 9 बनेंगे। ये बन गया आपका एक केस, सही है ना। अच्छा, अगर मैंने कहा कि 6 डॉक्टर्स हैं, अगर 6 डॉक्टर्स हैं, 2 डेंटिस्ट आ गए, 6 2 8, ये हो नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा कम से कम 2 सब होने चाहिए, ये तो हो नहीं सकता। अगर डॉक्टर्स मेरे पास 4 आ गए और डेंटिस्ट मेरे पास 3 आ गए, तो नर्सेज 2 आ जाएंगी, 4 3 7 2 9, ये एक केस बन गया, इसकी वर्किंग करेंगे अब। अच्छा, और क्या बन सकता है? अगर डॉक्टर्स मेरे पास 3 हैं, डेंटिस्ट 4 हैं, ये 2 आ सकते हैं, ये भी एक केस बन गया। और कोई केस बन रहा है मेरे पास? तो मेरा ख्याल है और कोई केस नहीं बन रहा, यही बनेगा। अब इसकी वर्किंग कैसे करेंगे, उसका भी तरीका बड़ा आसान है भाई। जब आपने केसेस बना लिए ना, जब आपने केसेस बना लिए, अब इनकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें। डॉक्टर कितने, डेंटिस्ट डॉक्टर कितने, 6। तो पहला जो हमारा पहला जो है ये आएगा 6 × 5 × 4 × 2 × 2 × 2। देखिए मैं इसको यहाँ से लिख रहा हूँ, 4 × 2 6 × 5 2 × 2, ये होगा 6 × 4 4 × 3 2 × 2। तो इसमें आपकी वर्किंग करना बड़ा आसान हो जाएगा, 6 × 4 4 × 3 2 × 2, फिर 6 × 3 4 × 4 2 × 2, ये बन गया आपके पास। पहले का जो आपका आंसर आ रहा है ये आ जाएगा आपके पास 36, 4 डॉक्टर्स, 3 डेंटिस्ट एंड 2 नर्सेज, ये आ जाएगा 16, और 2 3 डॉक्टर्स, ये आ जाएगा आपके पास 20। तो टोटल कर लिया आपने, यू गॉट 116। इससे आसान अप्रोच नहीं हो सकती इस तरह के सवालों को करने के लिए, उसमें आपका एरर मार्जिन 0 हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन APR log थीटा स्क्वायर, थीटा 5 एंड थीटा 8, आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक का मतलब ये होता है डिफरेंस सेम होता है, मतलब अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, log थीटा पावर 5 माइनस log थीटा पावर 2, और ये बराबर होगा, अगर एक और डिफरेंस निकालूँ, log थीटा पावर 8 माइनस log थीटा पावर 5। Given that the sum to n terms of this progression is this, find the value of n. अच्छा जी, आपको n निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म आपको पता है, ठीक है। अब आपको सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नज़र भी आ रहा है आपको कि भाई सम मुझे दिया हुआ है। सम का फॉर्मूला होता क्या है, Sn is equals to n upon 2, 2a plus n minus 1d। इसमें हमें क्या क्या मालूम है, हमें Sn की वैल्यू पता है, इट्स 4732 log थीटा। n तो मुझे नहीं पता, 2a फर्स्ट टर्म है, log थीटा स्क्वायर प्लस n माइनस 1। डिफरेंस क्या है हमारे पास, डिफरेंस को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, देखें हमारे पास डिफरेंस था, डिफरेंस इक्वल्स टू log थीटा 5 माइनस log थीटा स्क्वायर। जब log में माइनस होता है मतलब डिवाइड हो रहा होगा, सो log 5 डिवाइडेड बाय log थीटा स्क्वायर, ये हो रहा होगा, ये हो जाएगा log थीटा की पावर 3, ये हो जाएगा 3 log थीटा। तो मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा 3 log थीटा, सही बेटा। अब सिंप्लीफाई करना, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 4732 को जाके मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से, 4732 × 2, इट्स 9464 log थीटा इक्वल्स टू 2n log थीटा स्क्वायर प्लस 3n log थीटा माइनस 3 log थीटा, सही है ना, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब मुझे हर जगह log थीटा नज़र आ रहा है, सब में log थीटा मुझे नज़र आ रहा है, तो मैं एक काम ही करता हूँ, 2 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 4n log थीटा प्लस 3n log थीटा माइनस 3 log थीटा। ये 4n और 3n तो ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 7n log थीटा माइनस 3 log थीटा, और वो है 9
4, 6, 4 log थीटा, यहाँ से log थीटा निकालते हैं कॉमन, ये बन गया 7n-3 equals to 9, 4, 6, 4 log थीटा, log थीटा और log थीटा हो जाएगा कैंसिल, अब बचा 9, 4, 6, 4 और -3 यहाँ पर आके +3 equals to 7n, so 9, 4, 6, 7 divided by 7 वी गॉट। अब यहाँ पर हो गई है एक सिली मिस्टेक, और बड़ी सिली मिस्टेक हुई है, क्या हुई मैं आपको बता दूँ। पहले देखें ये n जो है ना, इससे भी तो मल्टीप्लाई करना था, मैंने खाली n को इससे मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो वर्किंग हुई है ये हमारी हो गई, इसलिए गलत थोड़ी सी। अब दोबारा देखें इसको, 4, 7, 3, 2 log थीटा, गलती मैंने कर दी, पहले मल्टीप्लाई कर दिया था, पहले मैं ब्रैकेट को सिम्प्लीफाई करूँगा अंदर, ये 2 पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 log थीटा प्लस 3n log थीटा माइनस 3 log थीटा, सही है ना, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करूँगा मैं अब, तो ये आ जाएगा 4 log थीटा 3 log थीटा, अच्छा 4 माइनस 3 हो जाएगा log थीटा प्लस 3n log थीटा, अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा n log थीटा, 2 को मारे के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, वो तो बढ़ के मल्टीप्लाई कर ही दिया था मैंने शुरू में ही ना, 4, 7, 3, 2 को मल्टीप्लाई किया था, क्या आंसर आया था हमारे पास, एक मिनट, 4, 7, 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये था 9, 4, 6, 4 log थीटा, n log थीटा प्लस 3n स्क्वायर log थीटा, काम सारा वही करना है जो हम करते हुए आ रहे थे, log थीटा कॉमन निकाला यहाँ से, ये बनेगा n प्लस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 4, 6, 4 log थीटा, log थीटा और log थीटा हुआ कैंसिल, अब क्या बचा आपके पास, 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 9, 4, 6, 4 इक्वल टू 0। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, एक मिनट दीजिएगा मुझे, इक्वेशन 3, 1 एंड माइनस 9, 4, 6, 6, 4, तो आपका एक आंसर डेसिमल में आ रहा है और एक आंसर आ रहा है आपका 56, एक आंसर 56 आ रहा है और एक आंसर आ रहा था हमारे पास माइनस 169 अपॉन 3, तो ये वाला तो हम रिजेक्ट कर देंगे, दो रीजंस हैं, नेगेटिव में भी है और डेसिमल में भी आ रहा है, तो जो आंसर हमारा फाइनल काउंट किया जाएगा दैट विल बी 56, ये आपका आंसर है बेटा, सही, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ये आंसर आ गया, दिस सम इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ थीटा, अब दिस सम का मतलब क्या हुआ कि पार्ट ऊपर से कनेक्ट है, तो सम कितना दिया हुआ था 4, 7, 3, 2 log थीटा, 4, 7, 3, 2 log थीटा इक्वल्स टू माइनस 1, 4, 1, 9, 6, तो डिवाइड करते हैं 1, 4, 1, 9, 6 डिवाइडेड बाय 4, 7, 3, 2, तो ये आ रहा है मेरे पास 3, सो log थीटा इक्वल्स टू माइनस 3, ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 3, राइट, लेकिन यहाँ पर log है तो 10 आएगा बेटा, सो 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0.001, ऑलराइट, ये आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा 0.001, ऑलराइट, नेक्स्ट वन, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर गिवन, डिटरमाइन वेदर दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैज़ अ सम टू इन्फिनिटी, मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये होगा कि नहीं होगा, सम टू इन्फिनिटी का आपका वर्किंग फार्मूला क्या होता है, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, अगर तो आपके पास r की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि होगा, अगर r ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो नहीं होगा, सही है ना, अब कैसे करना है भाई इसको, आप यहाँ से निकालेंगे r, ये हो जाएगा log साय डिवाइडेड बाय log साय क्यूब, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा मेरे पास log साय डिवाइडेड बाय 3 log साय एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 over 3, तो आपके पास r की वैल्यू आ चुकी है 1 over 3, ठीक है, आपके पास r की वैल्यू 1 से छोटी है, r इज लेस देन 1 over 1, सही है, तो इसका सम टू इन्फिनिटी होगा, so it has a sum to infinity, ठीक है बेटा,
अगर आर वन आ जाता ना हमारे पास तो ये अनडिफाइंड हो चुका होता अब तक. खैर वन से छोटा है. फाइंड दी एनथ टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन गिव्स यू ऑल राइट. सो फॉर लास्ट पार्ट क्या करेंगे हम, हमारे पास टी एन की इक्वेशन क्या बनी थी, 3(2-n) एंड log psi. आपको टी एन दिया हुआ था दैट इट इज़ 3(-18) इक्वल्स टू 3(2-20) की बात कर रहे हैं तो n की जगह 20 आ जाएगा. log psi 3(-18) इक्वल्स टू 2-20 3(-18) log psi. 3-18 कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू log psi एंड ये हो जाएगा 10(1) इक्वल्स टू साई. ये आपका फाइनल आंसर है.